हेलो फ्रेंड्स, टुडेज क्वेश्चन इज वेरीफाई डैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ -5x² -11x-3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशियंट। Verify that 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial. That is the value of x. X का वैल्यू है 3 - 1 and -1/3. Zeros alpha. Alpha is equal to 3. Beta is equal to -1. Gamma is equal to -1/3. And p of x is equal to 3x³ -5x² -11x-3। Firstly हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये इसका जीरोज है। अब कैसे वेरीफाई होगा, जीरोस तो तभी होगा जब हम क्या करें, इस वैल्यू को पुटअप करें और ये जीरो के इक्वल आ जाए। तो आइए देखते हैं, मतलब एक्स के वैल्यू 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1/3 रखेंगे तो जीरो आ जा रहा है तीनों कंडीशन पे, मतलब क्या हो गया, जीरो जो होगा। ठीक, देयरफॉर पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 * यस के स्पेस पे क्या रखेंगे, 3 पुटअप करेंगे, 3³ -5 * 3² -11 * 3 -3 इज इक्वल टू 3 * 3 = 9, 3 * 20 = 27, 27 * 3 = 81, -3 * 3 = 9, 9 * 5 = 45, -11 * 3 -33, 11 * 3 = 33 -3। बाय सॉल्विंग 81 - 81 डेट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि 3 क्या है, 0 जो है। देयरफॉर 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। 3 क्या है, 0 है। इस तरह से 3 0 हो गया और पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब अगेन एंड पी ऑफ -1 निकालते हैं, देखते हैं -1 क्या है, 0 है कि नहीं है। 3 * -1³ -5 * -1² -11 * -3 इज इक्वल टू 3 * -1³ डेट इज -1, -5 -1² डेट इज 1, 11 * 1 = 11 -3 डेट इज 11, 11 अब 5 * 3 = 11, 11 - 11 डेट इज इक्वल टू 0 डेट इज -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल डेट इज देयरफॉर -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ -1/3। पी ऑफ -1/3 निकालते हैं तो क्या होगा, 3 * -1/3 * 3 -5 * 1/3² 11 * 1/3 -3। बाय सॉल्विंग 3 * 3 = 9, 3 * 3 = 27, -3/27 -5 3 * 3 = 9, -11/3 -3। बाय सॉल्विंग दैट इज 11/3 -11/3 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -1/3 इज 0
ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड वी हैव टू प्रूव डैट वेरीफाई डैट 3-1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंस पी ऑफ 3 इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड पी ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर वी कैन से डैट 3-1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हेंस 3-1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल यही लिखा है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रूफ भी हो गया वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन अब अगेन वेरीफाई करना है ये तो वेरीफाई हो गया वेरीफाई डैट 3-1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल अब उसके आगे फिर से वेरीफाई करना है क्या वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशियंट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशियंट व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हेयर बाय कंपेयरिंग ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू -5 सी इज इक्वल टू -11 एंड डी इज इक्वल टू -3 और आप लोग इधर देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन क्या होता है सपोज डैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 डैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो गया और यहाँ पर कोफिशियंट ए बी सी डी एंड जीरोज अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है तो सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा -b/a एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a इतना तो आपको लर्न रहना चाहिए अब इसी को यूज करेंगे इसी को इक्वल प्रूव करेंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा तो आइए अब वेरीफाई करते हैं अल्फा देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा 3-1 एंड -1/3 3-1 एंड -1/3 बाय सॉल्विंग 3-1 दैट इज 2 टू 3-2 जा 6 6-1 5 5/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी इज इक्वल टू -5 अब इसको ऐसे राइट कर सकते प्लस में है तो दो बार माइनस राइट कर दे -5/3 इज इक्वल टू -5 की स्पेस पे बी राइट कर दे b/a अब ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a राइट किए थे एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a यही वेरीफाई करना है तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा
का वैल्यू पुट अप करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या था? 3। तो अल्फा के स्पेस पे क्या रख दे, 3 into बीटा, डेट इज -1 + बीटा -1 into -1/3 + गामा -1/3 into 3, 3 into -1 -3 + 1/3 -1 बाय सॉल्विंग 3 1 4 -4, 3 4 जा 12, 12 1 -12 डेट इज -11/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -11? -11 = c, -11 = c, एंड 3 = a, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? -1/3। 3 1 जा 3, -3 into -1/3, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू -3/3। वी कैन राइट -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3? -3 = d, एंड a इज इक्वल टू 3, दैट इज -3 = d, 3 = a, d/a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, दैट इज वेरीफाइड। थैंक यू।